तो जेम पे सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, हम इसको लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए क्या करेंगे, लॉग इन हमारा आईडी और पासवर्ड से हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे। मैडम बोलिए, मैडम बताइए। सर अगर हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ पड़ा है और हमें यूजर आईडी अगर हम नहीं पता करना है मैडम, यूजर आईडी चेंज नहीं कर सकते, यूजर आईडी नहीं चेंज कर सकते, नहीं यूजर आईडी चेंज। हेलो बोलिए। सर एक्चुअली मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया था बट उनका कॉशन मनी पेड नहीं किया था, बट प्रॉब्लम ये हो गई 2-3 दिन के बाद, वो बोल रहे हैं उनका नेम चेंज हो गया, तो उन्होंने जीएसटी में अमेंडमेंट करा दिया, तो इसके लिए फिर मुझे फिर से वो करना पड़ेगा। जीएसटी में नाम बदल दिया तो आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके सर, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करने का आगे हम लोग प्रोसीजर में बात करेंगे। ओके थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। अच्छा हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो गया, हाउ टू नो whether it is आधार बेस और पैन बेस? सर जनरली आपको ये पता चलना, मैं कुछ बताता हूँ शायद उससे पता चलेगा कि नहीं, पर इसकी जरूरत क्यों है पहले तो ये क्वेश्चन, आधार बेस्ड हो या पैन बेस्ड हो? एक्चुअली कम टू नो एग्जैक्ट इसके बारे में हम लोगों ने देखा नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ, मैं भी वहां से कुछ पता चल सकता है पर मैं श्योर नहीं, क्योंकि जब से इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो अभी तक इसका कभी कोई मतलब नहीं निकाला मैंने, पर मैं देखता हूँ उसका कुछ रहा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ओके ओके थैंक यू। चलो तो फिर हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेरा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल अपडेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे माई अकाउंट, माई अकाउंट में मुझे एक एक अपडेट, ठीक है। यहाँ मेरा प्रोफाइल 90%, आपकी प्रोफाइल 100% होगी, है ना। आपको एक सेम का सेलर आईडी भी मिलती है, सेलर आईडी काफी डिपार्टमेंट है जो सेम का सेलर आईडी आपसे मांगते हैं, जैसे कि रेलवे, डिफेंस, एचपी, इंडियन ऑयल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपसे एक सेलर आईडी मांगते हैं, तो आप उनको ये सेलर आईडी जो प्रोवाइड करेंगे, ये सेलर आईडी प्रोवाइड करेंगे। वो सेलर आईडी कैसे चेक करेंगे, सेलर आईडी वो यहाँ से चेक, आपका जेम का रजिस्ट्रेशन नहीं यहाँ पे, सेलर आईडी चेक करने का एक जगह है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ सेलर आईडी कैसे चेक करते हैं। वो आईडी से हमको चेक करने का तरीका पता चले, हम वहां से सेलर आईडी चेक करते हैं, बायर चेक करता है, ये सेलर आईडी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड यदि आपसे कोई डिपार्टमेंट मांगता है तो, नहीं मांगता है तो कोई प्रॉब्लम। तो आप अपडेट कैसे करेंगे प्रोफाइल, तो कंपनी प्रोफाइल यहाँ पे चार पार्ट है, माई प्रोफाइल, माई एक्शन, पर्सनल सेटिंग और माई टीम। आज हम लोग सिर्फ माई कंपनी के बारे में बात करें, आगे के क्लास में हम लोग आगे आगे बात करें। तो सबसे पहले माई कंपनी, माई कंपनी में रिक्वायरमेंट्स, तो सबसे पहले आपको ये प्रोफाइल आता है, उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट पेन वैलिडेशन, अभी यहाँ पे जो आप पेन वैलिडेशन करेंगे, ये पेन वैलिडेशन आप करेंगे किसका, अभी कंपनी का, क्योंकि अभी आप कंपनी के वैलिडेशन में आ चुके, अभी आप पर्सनल यूज नहीं कर रहे हो, देखो अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कंपनी प्रोफाइल माय कंपनी का यूज कर रहे हो, अभी माय पर्सनल नहीं यूज कर, तो आपको यहाँ पे जो भी यूज करना है वो कंपनी का यूज करना, अभी आपका कंपनी का पैन कार्ड का नंबर और नाम एज पर पैन, मेरी कंपनी प्रोप्राइटर से इसलिए मेरा नाम से पैन कार्ड है, तो मैंने अपना नाम मांग दिया और कम मेरा नाम। अभी कुछ लोग कंसर्न होंगे, यदि अभी एक कंपनी का होता, प्राइवेट लिमिटेड होता, लिमिटेड होता, तो उनके नाम से पैन कार्ड अलग इशू होता है, तो अपना कंपनी का नाम, अभी मेरी कंपनी का नाम है
भगत और नाम मेरा पैन कार्ड पे सिर्फ मीना, तो फिर क्या करने का मुझे ऐसे कंडीशन में? पर मेरा कंपनी का नाम तो भगत टेक्नो चाहिए, तो उसके लिए जगह दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे नहीं। पैन कार्ड में जैसा कि नाम है वैसा ही डालना है, कंपनी डिटेल्स यहाँ पे आना, और यहाँ पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हो। पर याद रखो, एक बार यदि ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दिया तो आप दोबारा उसको एडिट नहीं कर सकते, जो आपने एक बार डाल दिया वो डाल दिया। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का डेट एक बार आप जरूर बदल सकते हो, वन टाइम, एक बार बदलने के बाद दोबारा आप और नहीं बदल सकते, वन टाइम आप बदल सकते। ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी कब चालू हुआ आपका, एक बार आपको बदल। यदि आपकी कंपनी में आईटीआर नहीं है, याद रखो, तो आपको यहाँ पे आईटीआर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का डेट 2020 या 21 का डालो, उससे पुराना मत डालो, ये आप ध्यान दे। तो क्या होगा, आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट, और नहीं तो आपने यदि पुराना डाला तो आप मेरे जैसे, जैसे मेरा यहाँ पे फंस गया हूं मैं, ऐसा आप भी यहाँ पे फंस। ऑफिस डिटेल्स थर्ड नंबर, कुछ डाउट्स है तो बताते जाओ, हैंड रेज करते जाने का, जिसको भी कोई डाउट्स है, जो जो मैं बता जा रहा हूँ कुछ भी रहा तो हैंड रेज को। ऑफिस लोकेशन, ऑफिस लोकेशन में अपना आप जीएसटी नंबर अपडेट कर, यहाँ पे आप जीएसटी नंबर अपना अपडेट कर सकते हो, और मल्टीपल अपडेट लोकेशन भी अपडेट। कैसे अपडेट करोगे जीएसटी नंबर, तो रजिस्टर में जाओ और यहाँ पे न्यू करने का, पहले जिसको मेरा न्यू ऑलरेडी हो चुका है तो मैं इसको एडिट करूँ। यहाँ पे आपका जीएसटी एज पर जीएसटी, जीएसटी में जैसा एड्रेस है वैसा ही एड्रेस यहाँ पे आपको डालना, डाल के मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी वेरीफाई, ईमेल आईडी सेम ईमेल आईडी, आप यहाँ पे सेंड ओटीपी, एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालने के लिए जगह मिलेगा, ओटीपी डालिए और आपसे पूछेगा आर यू रजिस्टर्ड एज जीएसटी, यस तो यस, और यहाँ पे रजिस्टर नॉर्मल टैक्स पेयर और कंपोजिशन दोनों में, तो नॉर्मल है तो नॉर्मल, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, नहीं है जीएसटी तो नो कर दीजिए, और यहाँ पे क्या है, किस वजह से नहीं, तो मैं जीएसटी के लॉ में नहीं बैठता हूँ, और एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम लोग सेव करते, तो मेरा ये फिर भी मेरा एड्रेस अपडेट हो जाएगा पर मेरे जीएसटी अपडेट नहीं हुआ। और यदि आप एड्रेस डाल के जीएसटी नंबर अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर हो जाएगा। जैसे मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है फिर भी मैं सब काम कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमित सर, सर ये अपना जो इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये भी कहीं से वेरीफाई होता है सर? नहीं होता सर, यदि आप कभी ओएम बनना चाहते हो तो ये वेरीफाई होगा, यदि आप रीसेलर हो तो आपका वेरीफाई नहीं। ओके ओके ठीक है, ओएम हो बनोगे तो ओएम के टाइम पे वेरीफाई होगा, यहाँ नहीं वेरीफाई और एक बार एडिट करने का ऑप्शन है ना आपके पास। और कोई डाउट है यहाँ तक में? हाँ विकास सर, शर्मा सर बोलिए। अजीत हेलो, हेलो हाँ बोलिए शर्मा सर। सर मेरे को जैसे ओईएम में रजिस्ट्रेशन करना है अभी, तो OEM और रीसेलर के लिए क्या अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप हम लोग अभी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो रीसेलर के लिए चल रहा है, और अच्छा। OEM के लिए करना है तो OEM यहीं पर, OEM का रजिस्ट्रेशन अलग होगा। ओके जस्ट ठीक है सर, मैं उस पर बात करता हूँ। हाँ जी शुभम सर। सर वो कंपनी डिटेल्स किस स्क्रीन पर दिखाएंगे सर? कंपनी डिटेल्स, हाँ यहाँ पे आपका कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का नाम है एज पर जीएसटी या शॉप एक्ट जो भी डिटेल्स है, और आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब चालू हुआ है, ये देने के बाद और इसको एडिट नहीं कर सकते ना? नहीं, एक बार डालने के बाद आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते, एक ही बार। हेलो हाँ बोलिए मैडम। सर ये ओईएम और रीसेलर का फिर से एक बार समझाएंगे क्या, ये कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, एज ए रीसेलर भी काम कर सकते हो और एज ए ओएम भी काम कर सकते हो, दोनों आपको एक ही प्रोफाइल में, इसके लिए आपको दो अलग अलग प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं। हाँ बोलिए, मतलब अगर मुझे सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी मैं करें तो वो भी हाँ, इसी में, तो रीसेलर में ही आएगा ना? इसी में हाँ, आप सर्विस भी प्रोवाइड कीजिए, आप प्रोडक्ट बेचिए एज ए रीसेलर, आप प्रोडक्ट बेचिए एज ए ओएम, आप प्रोडक्ट बेचिए एज ए डीम्ड ओएम, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक ही रहेगा, आपको अलग अलग कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है।
सब आप एक ही जेम के पोर्टल से काम कर सकते हो, आपको मल्टीपल पोर्टल बनाने की जरूरत नहीं। अमित सर बोलिए। सर डीम्ड ओईएम क्या होगा? डीम्ड ओईएम ऐसे ओईएम को बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोको कोला कंपनी बताता हूँ। अभी कोको कोला कंपनी कहाँ, इंडिया की नहीं, बाहर की, फॉरेन की कंपनी है। अभी वो जेम पे रजिस्टर क्यों होना चाहेगा एज ए ओईएम? उसको जेम से क्या मतलब है? अभी जेम पे जो डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पूरा, वो मैं जेम पे पूरा मैं देखता हूँ, मेरी कंपनी देखती है कोको कोला कंपनी का पूरा कारोबार। तो अभी मैं मेरे कंपनी के नाम पे हम उनको क्या लेंगे, एज ए डीम्ड ओईएम लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाता हूँ। देखो अब जैसे कि पेन ड्राइव, इसको हम लोग पेन ड्राइव को कैटेगरी पता करना पड़ेगा, हम लोग कैटेगरी पता कर लेंगे थोड़ी देर में, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर आता हूँ प्रोफाइल पे। पहले इनका क्वेरी का थोड़ा रिप्लाई दे देता हूँ। फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। अब यहाँ पे हम लोग ब्रांड को चूज करते हैं एचपी, एचपी पेन ड्राइव, ब्रांड एचपी पेन ड्राइव है। अब ये ब्रांड है अभी एचपी, हाँ एचपी पेन ड्राइव बोलते हैं, तो ये एचपी का है। अभी देखो ये एचपी का है, सेम पेन ड्राइव हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांड, आपको ब्रांड नहीं आ रहा है, ब्रांड नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है सर, नहीं नहीं आएगा ना सर, ऐसे कैसे ऊपर, अभी आएगा, अभी आएगा, रुको अभी आएगा। अभी देखो यहाँ पे ब्रांड फाइनेंशियल में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा ना, हाँ नहीं नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में ही आएगा, मेक मॉडल, मेक मॉडल में आएगा, मेक मॉडल में आएगा सर, मेक और मॉडल सेक्शन में, मेक नीचे आएगा, मेक मॉडल में आएगा, इसमें आएगा और नीचे फाइनेंशियल से नीचे सर मेक और मॉडल में आएगा ब्रांड, हाँ हाँ यहाँ पे बराबर, यहाँ पे मेक एंड मॉडल, यहाँ पे आते हैं ब्रांड और यहाँ डालते हैं एचपी, यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं एचपी, ठीक है, एचपी 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 आगे नीचे बीच में एफ के बाद बॉक्सिंग एचपी है ना। अभी एचपी का पाउडर देख लो, एचपी का एक ब्रांड रजिस्टर्ड है, अभी एचपी ब्रांड है, एचपी एचपी। अभी ये प्रोडक्ट को हम लोग ओपन कर दें, ओके डायरेक्ट ओपन हो गया, ये तो एचपी ही आ रहा है, एक मिनट, ये एचपी भी बेच रहा है और एक कंपनी बेचती है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे दो है, ब्रांड एचपी है पर यहाँ पे ब्रांड दो है, एक एचपी है और एक ब्रांड है यहाँ पे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कौन है ब्रांड है, कौन है, एचपी एचपी सब जगह एचपी दिख रहा है क्या, एचपी ही दिख रहा है, कंसोर्टियम करके कुछ आया था, बाकी तो एचपी यहाँ पे, और एक ब्रांड है एचपी पेन ड्राइव, दो ब्रांड है एचपी पेन ड्राइव, नहीं वो तो ठीक है, किसी ने कैटेगरी डाल दिया एचपी पेन ड्राइव बोल के, इसलिए अलग बात है, मेरा कंसर्न है कि यहाँ पे और एक ब्रांड आ जाता है ना, तो एचपी ने उसको ऑथराइज किया है, एचपी जेम पे नहीं था और एचपी ने उसको ऑथराइज किया और वो बोला कि आप अपने को यहाँ पे जेम पे बेच सकते हो, तो एचपी का ही प्रोडक्ट बेचोगे पर आज आप ओएम बेचोगे डीम्ड ओएम, क्योंकि आप ओएम नहीं हो, आप कौन हो, डीम्ड ओएम, पर आप यहाँ पे रीसेलर नहीं, आप एज ए ओएम बेचोगे, एचपी का ही प्रोडक्ट बेचोगे पर ओएम में आपका ब्रांड नहीं होता, यहाँ पर रीसेलर की जगह फिर ओएम आएगा, उसमें रीसेलर की जगह ओएम आएगा, ब्रांड में आपका नहीं आपका ब्रांड आएगा, ओके जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो ब्रांड आएगा पर प्रोडक्ट एचपी का रहेगा, समझ गए, यहाँ पर सेलर में आपका ओएम आ जाएगा, सेलर में ओएम आ जाएगा, ब्रांड में भी एचपी नहीं आएगा, कौन सा ब्रांड आएगा, जो अपना जो अपना, हाँ आपका कंपनी का नाम पर प्रोडक्ट आप एचपी बेचेंगे, तो सर जैसे अपन जब कंपैरिजन में जाएंगे तो यानी कि ये एचपी और हमारा वाला जो कंपनी दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे, अलग 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 अलग, ठीक है, मतलब सेम कंसीडर नहीं होंगे, हाँ सेम कंसीडर, इसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड ओईएम,
ठीक है ठीक है ये। चलो तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखते हैं आगे हम लोगों ने, यहाँ तक क्लियर हो गया फिर बैंक डिटेल ऑफिस लोकेशन तक कोई डाउट्स है? चलो अभी आते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे आप मल्टीपल बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे चार पांच किया। आप बैंक अकाउंट अपडेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे न्यू आईएफएससी कोड, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आईसीआईसीआई 0012, कोई नंबर नहीं है क्या, ठीक है HDFC। अभी मान लो मेरा है 4, तो ऑटोमेटिकली आ गया। ये कहाँ का, चेन्नई का ब्रांच है, ऑटोमेटिकली इसके डिटेल्स आ गए। मैक्सिमम आईएफएससी कोड कवर है, हाँ कुछ हो सकता है आईएफएससी कोड कवर नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही कम आईएफएससी कोड कवर नहीं तो मैक्सिमम आईएफएससी कोड यहाँ पे कवर, तो जो कवर है वही डाल पाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट नंबर डालो, कन्फर्म डालो, अकाउंट होल्डर का नाम डालिए, और प्राइमरी बनाना है तो प्राइमरी तो इसको सेव कर दीजिए। प्राइमरी बनाएंगे तो क्या होता है, अभी मुझे जेम से कोई भी ऑर्डर है, जेम से मुझे कोई भी ऑर्डर मिला है, तो मुझे पेमेंट, मैंने इसको प्राइमरी बनाया, देखो प्राइमरी पे ठीक है, तो मुझे इसी अकाउंट में पेमेंट आएगा, इस अकाउंट में मुझे पेमेंट आएगा, तो मैंने जिसको प्राइमरी, मुझे अभी दूसरे अकाउंट में पेमेंट चाहिए, मुझे अभी ये अकाउंट में पेमेंट चाहिए, तो मैं इसको प्राइमरी बना, तो मैं इसको प्राइमरी बना सकता हूँ। अभी ये प्राइमरी बन गया, जो अकाउंट को प्राइमरी बनाएंगे उस अकाउंट का आप डिलीट नहीं कर सकते। अभी मुझे इस अकाउंट को प्राइमरी बनाना है, इसको बना देंगे तो ये अभी डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा, और जिस पे प्राइमरी रहेगा उसी अकाउंट पे आपको पेमेंट आएगा। यहाँ पे एक अकाउंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, जैसे कि आईसीआईसीआई का हो गया, ये सहा है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सहा मतलब किसी को पता है क्या, कोई भी जिनको जेम सहा के बारे में पता है, क्या सहा के बारे में पता है, सहा जेम सहा, हाँ बोलिए सोनिया मैडम। आई थिंक सहा का मतलब होता है कि मतलब जेम से जब हम, जैसे हम, हमें कोई ऑर्डर मिला है 10 लाख का ऑर्डर, और 10 लाख के ऑर्डर के लिए हमें मतलब हमारे पास पेमेंट नहीं है इतना कि हम उसको ऑर्डर को फुलफिल कर सके, तो उसके लिए जेम हमें ना कुछ लोन प्रोवाइड करता है। ओके आई थिंक बराबर बराबर एकदम परफेक्ट है, पर यहाँ पे जेम लोन नहीं प्रोवाइड करता, बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक प्रोवाइड करती है जो सहाय, ये आज जेम पे है ऐसा नहीं, ये पहले भी था, पहले भी, अभी भी आपको मान लो जेम से नहीं, आपको अमेजन से कोई ऑर्डर मिलता है, और अमेजन बड़ी बड़ी कंपनी से कोई ऑर्डर मिलता है, और उसके पीछे भी आपको लोन चाहिए, तो भी बैंक आपको लोन देती, उसको भी सहा बोलते थे। सिर्फ जेम से इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, मिनिमम जो मैंने अभी तक देखा वो पर मंथ 1.5% का मिनिमम इंटरेस्ट अभी तक मैंने देखा, से 5% तक इंटरेस्ट रहता है पर मंथ का, यहाँ पे पर मंथ इंटरेस्ट पे चलती है, पर लोन मिल जाएगा, मतलब आपके पास यदि फंड नहीं है तो फंड आपको मिल सकता है, तो उसके लिए उसने अकाउंट नंबर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा और इस बेस पे लोन होगा, पर ये लोन उसको ही मिलेगा जिनके पास जीएसटी नंबर, यदि जीएसटी नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा, वो जीएसटी से अपडेट होगा और फिर वहां से आपको लोन रिलीज हो जाएगा। अमित सर, लोन जो है ये पर्टिकुलर ये बैंक, मतलब इसमें आपका ऑप्शन अपने पास होता है ऑटोमेटिक सर, नहीं जेम पे नहीं, देखो आप जैसे आपको कोई ऑर्डर मिला तो आपको एक ऐप रहता है जेम साहब बोल के, प्ले स्टोर में ऐप है, वो इंस्टॉल करना है और आपका लॉगिन आईडी वगैरह जीएसटी नंबर डिटेल्स डालना है, ऑटोमेटिकली वो वहां से सिंक हो जाता है, तो आपको ऑर्डर वहां दिखना चालू हो जाएगा। अभी मान लीजिए आपको, जैसे मैडम ने बोला कि आपको एक 10 लाख का ऑर्डर मिला है, तो 10 लाख का ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो आपको वहां पर 10 लाख का ऑर्डर दिख जाएगा। अभी वहां पे जैसे 10 लाख को चूज करेंगे आप, आपको बता देगा कौन कौन सा बैंक आपको लोन देना चाह रही है, और हर एक बैंक का इंटरेस्ट कितना है, और वो लोन कितने परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है, और कितना परसेंट लोन दे रही है। अभी मैक्सिमम जो लोन होता है वो 90% लोन होता है, कोई बोलेगा मैं 70% लोन दे दूंगा पर 1.5% इंटरेस्ट पे दूंगा, कोई बोलेगा मैं 90% लोन दूंगा पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 2.5% रहेगा, तो डिपेंड, तो आप जिसको जो चूज करना चाहते हैं वो बैंक को चूज करेंगे, वो बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। और वो जब सब पेमेंट होगा तो जब पेमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली वहां से चला जाएगा आपका उधर का पेमेंट, और आपका लोन इंटरेस्ट वगैरह सब कट कुट के और बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं, मतलब जो डायरेक्ट पेमेंट होता है तो आपको बैंक को चुकाना पड़ेगा, ठीक ठीक है, ठीक है, क्लियर है सहा, या और भी कोई डाउट्स है तो बताइए जिनको सहा के बारे में पता नहीं। सर इसमें टाइम पीरियड फिक्स रहता है? नहीं मैडम,
आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहेगा। ओके यदि 3 महीने पेमेंट हाँ 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 मतलब कैसा रहेगा मैडम, देखो जेम से उनको जेम से लिंक रहता है, तो जैसे ही पेमेंट होगा वैसे ही उनको पता चलेगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर चुका देना है। जैसे कि डिफेंस का बोलेंगे, इंडियन रेलवे बोलेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आपको डायरेक्ट अकाउंट पे, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर उधर चला जाएगा, बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा, तो आपको चुकाने की जरूरत है। पर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे है जैसे कि पंचायत समिति, नगर परिषद, ये लोग पेमेंट कैसे अपने को चेक से करते हैं, डीडी से करते हैं, जेम से नहीं करते, तो ऐसे केस में आपको फिर मैनुअली चुकाना पड़ेगा। पर उनको उनका इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर का कॉपी उनके पास भी रहता है और सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे शेयर होता है, तो उनको भी दिखेगा जिसका पेमेंट आया कि नहीं आया। जितना डिले होगा उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होती है, तो वो आपको उतना इंटरेस्ट में लेता रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों को सहाय ऑप्शन यस करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, और जो बैंक सिलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं ना, जहां पर अपना अकाउंट हो। हाँ हाँ ठीक है, और कोई डाउट्स है सहा के बारे में किसी को? ऐसा नहीं है ये जेम के थ्रू से लोन मिलता है, आपको नॉर्मल ऑर्डर पे भी लोन मिलता है, यदि कोई लिमिटेड कंपनी है तो भी लोन देती है बहुत सारी बैंक। लिमिटेड कंपनी को के नाम से आपको बड़ा ऑर्डर मिला है तो भी बैंक आपको लोन देती है, ऑर्डर को आप बैंक में लेके जाओ उसके बेस पे लोन मिलता है। वो इसको ऐप डाउनलोड करनी है मोबाइल पे, जेम के लिए करना है, यदि आपको लोन चाहिए तो जेम साहा बोल के क्या वो आपको इंस्टॉल करना है। जेम साहा, यस। ऋतिक सर बोलिए। सर ये जैसे लोन प्रोवाइड कर रही है तो ये कितना परसेंट वो अपना इंटरेस्ट? सर वो तो आपको वहीं पर पता चलेगा, जैसे कि मैंने बोला, मतलब मैंने 2-3 महीना पहले देखा था तब 1.5% पर मंथ था मिनिमम। ओके से 5% इंटरेस्ट तक था। ठीक है सर। चलिए तो ये बैंक अकाउंट अपडेट का बोला, अभी आते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का होता है कि PFMS कोड नहीं मिलता, तो नहीं मिला तो आप उसको फिर से वेरीफाई करना है आपको, और फिर से आपको थोड़े दिन के बाद PFMS कोड मिल जाता है, और फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, और एक अकाउंट ऐड करो और पुराने अकाउंट उसको प्राइमरी बनाओ और पुराने अकाउंट को डिलीट करो, डिलीट करने के बाद फिर से नया अकाउंट बनाओ और PFMS कोड के लिए अप्लाई करो, आपको PFMS कोड मिल जाएगा 2 दिन के अंदर। विकास सर। जी सर। सर मैंने आपके गाइडेंस के हिसाब से एक अपनी जो नई फर्म है उसको मैं अपडेट कर रहा था साथ में, तो मैंने लाइक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, अब अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर रहा था, तो वहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल के अंदर कुछ डाउट आए हैं, तो मैं सॉरी पहले सॉरी बोलूंगा वापस से आपको। नहीं बोलिए बोलिए। सर उसमें एक तो आया है आर यू अ स्टार्टअप, सो आप स्टार्टअप में आपका आपके पास स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन है? नहीं है सर। नो कर दीजिए। ओके सर। एंड आर यू रजिस्टर्ड विद एमएसएमई और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज? उद्यम में आपके पास उद्यम? उद्यम उद्यम में रजिस्ट्रेशन है? जी सर है। हां तो उसको यस कीजिए। एंड डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन अ बिड? सो आई हैव टू गिव यस। तो बिड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यस, नहीं करना चाहते तो नो। अच्छा सर। और सहाय सर एज अब इसमें एक चीज और है, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर सहा? तो सहा में जैसे लाइक मेरे को अभी के लिए जरूरत नहीं है। हाँ तो अभी अकेले जो रहते हैं दोनों कर दीजिए, जब चाहिए तब आप यस कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, बाद में कभी भी यस कर सकते हैं, कभी भी मैं इसको नो यस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। जी सर। ओके ओके सर। ओके सर। एमएसएमई का जो सर जिनको पूछना है हैंड रेज कर डायरेक्ट में, जिनका हैंड रेज किया उनका क्वेरी पहला। गौरव सर। सर अगर जब अकाउंट बनाया था स्टार्टअप पे बाय मिस्टेक यस हो गया हो या उस टाइम नॉलेज नहीं थी, तो अभी क्या चेंज कर सकते हैं उसको नो में? क्योंकि स्टार्टअप कर सकते हैं आपको शायद ऑप्शंस नहीं, पहले ही ऑप्शंस अवेलेबल था पर अभी ये बंद किया है। हाँ तो अगर स्टार्टअप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कर भी दिया ना तो यहाँ पे नो कर दो ना। ओके यहाँ से नो हो जाता है और आपका प्रोफाइल कम्प्लीट हो जाता है। ओके ओके सर। तो सर अगर इसमें स्टार्टअप पे करना रहता है तो वो साइट अलग है कोई कहां? स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट है, मैं आगे बताता हूँ। डन सर। डन। देवेंद्र सर। देवेंद्र सर हेलो। हाँ बोलिए।
हाँ सर, ये पूछ रहे थे सर, जो ये एमएसएमई वाला है, इसको मतलब इसको यस करने से या इसमें रजिस्ट्रेशन कराने से क्या कोई इसमें कुछ फायदा होता है सर? बेनिफिट होता है, वो हम लोग बीड में पढ़ेंगे जो बेनिफिट है। अच्छा अच्छा सर, जब बीड का क्लास लाऊंगा तब बताऊंगा। अच्छा सर, ये एमएसएमई वाला रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है सर? सो वो तो आपको पता करना पड़ेगा, वो हम तो नहीं बताते। उद्यम का वेबसाइट गूगल में सर्च करो और वहां से करो। कैसे देखो, यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो नहीं बताऊंगा। हाँ, कौन वेबसाइट है वो मैं बता दूंगा, पर रजिस्ट्रेशन करना कैसे है यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। आईएसओ है, फूड लाइसेंस है वगैरह, बहुत सारे यहाँ रजिस्ट्रेशन लग सकते हैं, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। करना कैसे वो करना आपको, हम यहाँ पे जेम के बारे में सिर्फ बात कर, थोड़ा okay. बेसिक आपको नॉलेज जरूर। ओके okay, सर okay. राकेश सर, राकेश सर और कोई डाउट है किसी को? सर एमएसएमई तो रजिस्ट्रेशन कर ली मैंने इसको, हाँ। लेकिन जब एमएससी पे राइट साइड में क्लिक करता हूँ तो वो उद्यम नंबर पूछा, जब मैं उद्यम नंबर कौन सा डालना था? अभी एमएसएमई बंद हो चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमएसएमई को उद्यम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी उद्यम का नया वेबसाइट है उद्यम में, यहाँ पे जाके आपको वेबसाइट में उसको एमएसएमई के सर्टिफिकेट को उद्यम में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वेबसाइट में आके उद्यम का रजिस्ट्रेशन लगेगा, एमएसएमई का नहीं। यदि आपको पता है तो आप खुद कर लो, और नहीं पता है तो बाहर बहुत सारे लोग हैं जो करके देते हैं, जनरली 500 से 1000 रुपया चार्ज करते हैं और करके देते हैं। और मैं भी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ग्रुप में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको करके दे देंगे। 500 रुपीज नॉमिनल चार्ज होता है। आपको नहीं पता है तो आप किसी से भी कॉन्टेक्ट कर लो, बाद में आगे डिस्कशन कर लेंगे, आपको आज के आज वो करके दे देंगे, कोई ना कोई होंगे जो आपको करके दे देंगे। ठीक है, जो भी है, यदि किसी को सर का है उद्यम नंबर कोई कन्वर्ट करके दे सकता है तो उनको चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दो, यहीं पर 500 रुपीज चार्ज पे। चलो हो गया क्लियर यहाँ पे, तो हम लोग आते हैं, हम लोग आगे, बैंक अकाउंट हो गया, इनवॉइस रिफ्लेक्स। देखिए साधना मैडम ने नंबर डाला है, आप चाहो तो वहां से कॉपी करके उनको बाद में कॉन्टेक्ट कर लीजिए, 500 रुपीज में वो कन्वर्ट कर देंगे। ई इनवॉइस डिक्लेरेशन, ई इनवॉइस डिक्लेरेशन क्या होता है? देखिए ई इनवॉइस डिक्लेरेशन में आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ये भी जीएसटी का नॉर्म, ये भी जीएसटी के नॉर्म से आया हुआ है ई इनवॉइस डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको टर्नओवर मैक्सिमम इन 3 इयर्स, 3 साल में आपका टर्नओवर कितना है वो आपको देना पड़ेगा। 3 साल में आपका टर्नओवर कितना है, मान लीजिए आपको, मैं एज ए एग्जाम्पल, मेरा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, 1 साल मेरा 10 लाख था, दूसरे साल मेरा 12 लाख था, और पिछले साल मेरा 8 लाख। तो मैं क्या यहाँ पे कौन सा डालेंगे? तो 3 साल का जो मैक्सिमम टर्नओवर है ये यहाँ पे इनपुट करें, ना कि तीनों का एवरेज निकाल, जो मेरा मैक्सिमम टर्नओवर है वो यहाँ पे डालेंगे। 3 साल का लेटेस्ट, पिछला जो 3 साल है, 3 साल में जो भी आपका लेटेस्ट जो सबसे मैक्सिमम टर्नओवर है वो आप डालें। स्पेसिफाई कैटेगरी एक्सक्लूडिंग कंप्लायंस टू इनवर्टिकल एज ए नोटिफाइड, आपको यहाँ पे यस करना है या नो करना है। जनरली कुछ जनरली जो है वो नो करना है, कौन से कंपनी यस करेगी ये भी जीएसटी के नॉर्म्स में बैठता है। तो कौन से कंपनी नो करेगी? जिनके जो लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी चलाते, ठीक है, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कुछ है, 2-3 नॉर्म्स है, एक बार ये सीए से और भी डिटेल्स में पूछ लो। जनरली इंश्योरेंस हो गया, और भी है हेल्थ प्रीमियम वगैरह, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के मेडिकेयर वगैरह का है, वो सब का प्रीमियम के रिगार्डिंग वो लोग सब लोग ई इनवॉइस के अंडर आते हैं, पर ज्यादा एक बार सीए से पूछ लो। तो आपकी कंपनी जो नॉमिनल हम लोग कोई प्रोडक्ट देते हैं या सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, ये सर कंपनी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम कंपनी है वो नो में ही आती, वो हम लोग इनवॉइस डिक्लेरेशन के अंदर नहीं आती। फिर भी यहाँ पे कोई सीए है और अपना शेयर करना चाहते हैं इनवॉइस के रिगार्डिंग, तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। यदि आपको सीए है और आपको इनवॉइस के रिगार्डिंग जीएसटी के नॉर्म्स के बारे में पता है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। कोई है? ठीक है, तो आप ज्यादा डिटेल्स में चाहे तो सीए से पूछ सकते हो, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी और 1-2 कंपनीज है जो इनवॉइस के अंडर आती है, नहीं तो सभी लोग नो में आते हैं। देवेंद्र सर बोलिए। सर
हेलो। हाँ बोलिए। तो सर ये बेसिकली पूछा जा रहा है, अभी अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन नया कराएंगे 2022 में कराएंगे, तो सर इसमें ये मैक्सिमम टर्नओवर तो हमारा तो कुछ जीरो डाल दो, मेरा यहाँ पे जीरो डालना होना मैंने। अच्छा जीरो डाल देंगे। हाँ। जीरो डाल के नो कर देंगे, जीरो डाल के नो कर देंगे, क्योंकि सर रीसेलर का काम करेंगे तो इसमें नो डाल देंगे। नो डाल देंगे। ओके ओके सर, थैंक। ठीक है, ये आपका इनवॉइस है एमएसएमई। यदि आपको एमएसएमई अपडेट करना है तो एमएसएमई अपडेट कर सकते हैं। देखो चार्टर्ड अकाउंट सतीश सर एक चार्टर्ड अकाउंट है, और सतीश सर भी आपका जो है ये भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एमएसएमई से उद्यम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सतीश सर यदि आप थोड़ा बोल सकते हैं हमें इनवॉइस डिक्लेरेशन के बारे में, जीएसटी का जो नॉर्म्स है थोड़ा डिटेल्स में यदि आप बता सकते हैं तो हमारे लिए सभी लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, इंक्लूडिंग मी। सतीश सर ठीक है, रहने दो, यदि सर को लगा तो बताएंगे। सतीश सर बेसिकली अपने को बताना है जो ये इनवॉइस डिक्लेरेशन का क्या है, जीएसटी के अकॉर्डिंगली नॉर्म्स क्या है, इनवॉइस का क्या बताता है, जीएसटी इनवॉइस से क्या रिलेटेड है, उसके नॉर्म्स क्या है, जीएसटी के कंडीशन में इनवॉइस डिक्लेरेशन का नॉर्म्स क्या है, क्योंकि ये इनवॉइस डिक्लेरेशन जीएसटी से आया हुआ है। हेलो। हाँ बोलिए सतीश सर, क्या बताना है इसके? सर बेसिकली जो ये इनवॉइस डिक्लेरेशन का नॉर्म्स क्या है, इनवॉइस क्या है एक्चुअली एज ए जीएसटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग में? इनवॉइस का डिक्लेरेशन अभी है वो, अगर कोई आप जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, हाँ, उनको अभी इनवॉइस मैंडेटरी हाँ जीएसटी के पोर्टल से ही जनरेट करना पड़ेगा। Okay. तो वहां से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा सारा जीएसटी डिटेल दे करके, और okay. वही इनवॉइस आपको कस्टमर को भेजना होगा, जिनकी टर्नओवर मैक्सिमम 5 CR से ऊपर है। हाँ हाँ हाँ। okay. और ये इनवॉइस एक्चुअली है क्या? ये इनवॉइस जैसे क्या होता था पहले कि बड़े बड़े जो बिलिंग का काम करते हैं वो लोग इनवाइस इशू करके और फिर उसको अपने अकाउंट्स में नहीं लेते थे, इधर से उधर मटेरियल भेज देते थे। तो अभी जीएसटी के पोर्टल से ही वो इनवाइस जनरेट होगा, जिसको आप रिवोक नहीं कर सकते हैं, या फिर रिवोक करना है तो फिर उसका रीजन बताना होगा। ओके, लाइक ईवे बिल जैसा समझ सकते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में। हाँ हाँ, मतलब जिन लोगों को ज्यादा डिटेल्स में पता नहीं है, यदि हम नॉर्मल में समझे तो ईवे बिल जैसा। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ओके। और कुछ कंपनी जैसे कि हमें बाद में इन्फॉर्मेशन मिला था और काफी मुझे भी, मैंने सीए से कंसर्न किया था, कुछ कंपनी आती है जो डायरेक्ट इनवॉइस डिक्लेरेशन में ही आती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, और भी एक दो कंपनी का नाम बताया था। ये हाँ। लोग कैसे, ये लोग से क्या रिलेवेंट है? इन लोगों से उस तरह का रिलेवेंट, क्योंकि इन लोगों का या इंश्योरेंस कंपनी वगैरह का तो टर्नओवर बहुत अधिक होता है, तो डायरेक्ट वो लोग पोर्टल से ही जनरेट करते हैं इनवॉइस। ओके, इसकी वजह से मतलब, या फिर उन लोगों के लिए मैंडेटरी है कि कंपनी कैसी भी हो और आप इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं तो आपके लिए इनवॉइस मैंडेटरी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। चलो सतीश सर से आपको बाकी और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, यदि किसी को कोई डाउट्स है ये सबके रिगार्डिंग, क्योंकि ये नॉर्म्स पता होना चाहिए आप लोगों को, काम कर रहे हो गवर्नमेंट में, सब चीज पता होना चाहिए। हेलो सर, सतीश सर, मतलब इन शॉर्ट ये बोलना है कि 5 करोड़ के ऊपर जिसका भी लास्ट ईयर टर्नओवर गया वो हाँ। इस बार से ई इनवॉइसिंग करे। हाँ, ये टाइम टू टाइम अभी ये लोग डिफर कर रहे हैं। पहले 100 करोड़ का था, 100 करोड़ से फिर घटाते घटाते 5 करोड़ तक लेकर के आए हैं। मतलब ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट वे है कि डायरेक्टली वो पोर्टल पे ले। हाँ हाँ हाँ, पोर्टल से ही डायरेक्ट जनरेट होगा, और इस पे है कि जो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग है ना, कि कच्चा का एक बिल इशू कर देते हैं सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग के लिए, और उसके बाद फिर उस बिल को कैंसिल कर देते हैं, उसको रोकने के लिए किया गया है ये। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? हां सतीश बोलिए। सतीश सर बोल रहे हैं 5 करोड़ का है या 500 करोड़ का है?
ये 500 करोड़ का था, धीरे धीरे घटाते घटाते 5 करोड़ तक लेकर के आएगा, अभी फेज वाइज है ये। उसका कोई सर अप्रूवल कुछ है आपके पास? सर्कुलर सर्कुलर जीएसटी के साइड में नहीं सीए सर, वो जीएसटी के साइड में मिल जाएगा ना सर आपको सर्कुलर? हाँ हाँ जीएसटी के साइड में मिल जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है सतीश सर से? सर अगर हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर हमारा बिल बहुत छोटा है लाइक 10 ईयर का बिल काटते हैं तो वो भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? क्या 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 बोले, फिर से बोलिए। अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, सिंगल बिल अमाउंट लाइक में वो अमाउंट छोटा है लाइक में 10,000 का बिल काट रहा हूँ, ठीक है 10,000 का बिल काट रहा हूँ, हाँ वो टर्नओवर का क्राइटेरिया है कि इतना टर्नओवर होने से फिर आपको उसी वे में जाना होगा। अभी 5 करोड़ के लिए वो अप्लीकेबल नहीं हुआ है, अभी 100 करोड़ तक आया है बट स्लैब वाइज कर दिया है वो, मतलब आगे शायद नेक्स्ट मार्च या अप्रैल के बाद ये 5 साल में आ जाए। ये लोग डेफर करते जा रहे हैं, पहले 500 करोड़ का था, फिर 100 करोड़ किया, फिर 50 करोड़ किया, 50 करोड़ से फिर 10 करोड़, 10 करोड़ से फिर 5 करोड़, वो अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे जब भी जितना भी टाइम लगे, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये। और कुछ क्वेरी है किसी को सतीश सर से? चलेगा सर, चलो थैंक यू सतीश सर हम सभी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओके यस विप्लव सर बोलिए। हो गया सर, हम पूछ लिए सतीश सर। ओके ओके चलेगा, ठीक है। चलिए आते हम लोग एमएसएमई पे। एमएसएमई का बताया कि उद्यम नंबर डालना है, एमएसएमई बंद हो चुका भी, उसको उद्यम में, जिनको नहीं है उद्यम में कन्वर्ट कराओ और बनाओ। और बाकी बहुत सारे लोगों ने सब नंबर शेयर किया है, जिनके पास एमएसएमई है या एमएसएमई नहीं है वो कॉन्टेक्ट करो और वो पहले देखो कि आप उद्यम में के लिए हो क्या एप्लीकेबल। हर कोई उद्यम उठा के बना लेता है, हर कोई उद्यम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो जिनसे कंसर्न कर रहे हो चाहे तो सतीश सर से कंसर्न करो, सतीश सर आपको बताएंगे कि आप उद्यम के लिए एप्लीकेबल हो कि नहीं, और यदि हो तो सर से बनवा लीजिए, या फिर बहुत सारे और भी लोगों ने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उनसे आप बनवा लीजिए अपना उद्यम। बहुत बेनिफिट है, बेनिफिट भी सर समझा देंगे आगे आप लोगों को, और मैं भी क्लास में भी समझाऊंगा। सोनिया सर, सोनिया मैडम बोलिए। सॉरी, उद्यम के लिए एप्लीकेबल कौन होता है? किसके लिए मैडम? उद्यम हर कोई एप्लीकेबल है, जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है या एज ओएम है वो लोग सब जेम में एज एमएसएमई के लिए एप्लीकेबल। आपने बोला था ना कि हर कोई नहीं होता, नहीं होता है। हाँ, ये हम लोग आगे सब डिस्कशन करेंगे बीड के टाइम पे ज्यादातर, क्योंकि अभी थोड़ा बोला तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। हम बीड में जब पढ़ेंगे ना तो उसके बेनिफिट और कैसे एप्लीकेबल है ये सब समझाएंगे। शर्मा सर बोलिए। यस सर, मैं अभी जैसे आपका प्रोसेस है उसी के साथ चल रहा हूँ। तो मैं अभी जो अपना उद्यम नंबर है, मैंने अपना उद्यम नंबर डाला और मोबाइल नंबर डाला उसमें। हाँ हाँ। और उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, देयर इज अ एरर शोज योर बिजनेस नेम ऑन जेम। यस सर, नॉट मैच विद दैट। बराबर, जो यहाँ पे बिजनेस नेम दिख रहा है उद्यम में सेम नाम होना चाहिए। यदि थोड़ा भी डिफरेंस है तो ये वेरीफाई नहीं होगा। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उद्यम के वेबसाइट में जाना पड़ेगा और उद्यम के वेबसाइट में जाके जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे जो नंबर शो हो रहा है, नाम शो हो रहा है, जैसे मेरी फर्म का नाम है विकास आर्मी पुलिस स्टोर, लेकिन जो जेम में दिखा रहा है अभी नाम, वो विकास आर्मी एंड पुलिस स्टोर दिखा रहा है। सर, आपने जैसा नाम पहले डाला होगा या कंपनी प्रोफाइल में जैसा नाम डाला है ऐसा यही नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो कंपनी प्रोफाइल में अपने इसको चेंज कर सकते हैं? देखो एक बार यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास, देखो एक बार एडिट करने को देता है, यदि आपने एक बार डाल दिया है तो दोबारा इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। कंपनी डिटेल्स पे गया हूँ, हाँ एक बार दिखा, लेकिन एडिट का ऑप्शन भी दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है तो आप एडिट नहीं कर सकते। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओ माई टीम का ऑप्शन में जाने का, और यहाँ पे पर्सनल सेटिंग, हाँ यहाँ पे जाने का और क्लोज अकाउंट को क्लोज करो, क्लोज अकाउंट का ऑप्शन से क्लोज कीजिए और फिर से नया अकाउंट रजिस्ट्रेशन कीजिए। अच्छा मैं डाल लेता हूँ। सेकंड थिंग सर,
कि अभी जो मैंने आईडी पासवर्ड रखा था तो क्या वही आईडी पासवर्ड आएगा? आप फिर से नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो नया रजिस्ट्रेशन में जो आईडी पासवर्ड डालेंगे वो होगा। एंड मोबाइल नंबर विल सेम, मोबाइल नंबर सेम, ईमेल आईडी वगैरह सेम यूज, इसको वापस से पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना। अच्छा है कि अभी आप कर रहे हो, एक बार आप कैटलॉग डाल लेते तो आपके लिए वो तकलीफ बढ़ जाता। जी जी ओके थैंक यू। हां राकेश सर, उद्यम का नंबर डाल दिया मैंने, वो बोल रहा है उद्यम हैज ऑलरेडी टेकन। टेकन बराबर, ये एक प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको ये बताता हूं, ये क्या किस वजह से हो रहा है। पहले कैसा होता था, अभी मेरा देखो, मेरा ही प्रोफाइल देखो, ये उद्यम नंबर मेरे ये पैन कार्ड से नहीं है, मैंने दूसरे का पैन उद्यम नंबर डाल दिया। ये पहले ले लेता था पहले के पोर्टल में, बाद में इसको तभी क्या था उद्यम के से जो जेम है उसको लिंक नहीं किया गया, तो कोई भी उद्यम नंबर डालो ले लेता था, तो हमने दूसरा का नंबर डाल दिया। ऐसे अभी आपका नंबर कहीं डल गया है कोई प्रोफाइल में, तो आपको अभी दोबारा नंबर डालने नहीं देता क्योंकि अभी ये लिंक हो चुका है, तो बताता है पहले से। अभी आपको यदि इसका डिटेल चेक करना है कि आपका यदि आपका खुद का उद्यम नंबर डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जेम को मेल करना पड़ेगा कि ये उद्यम नंबर मेरा ऑलरेडी टेकन है और मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जहां भी है उसको रिमूव कीजिए और मेरे लिए वो नंबर रिलीज कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप शायद दो उद्यम निकाल सकते हो, यदि कोई सर जैसे कि सीए सर थे, ऐसा मेरे नॉलेज में है, कौन सीए सर कौन थे कोई बता सकता है मुझे क्या? दो हम उद्यम निकाल सकते हैं ना, उद्यम नंबर दो निकाल सकते हैं क्या, जैसे एमएसएमई में दो निकाल सकते थे, दो तीन एमएसएमई में तीन रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। हाँ बोलो सर। सर एक्चुअल बात है क्या, उद्यम नंबर जो होता है दैट इज लिंक विद द पेन, ओके पेन, ओके हां, एक ही पेन नंबर में एक ही उद्यम नंबर निकल सकता है। ओके एक पेन नंबर से एक ही पेन नंबर, एक ही उद्यम, हां ये पार्टनरशिप फॉर्म अगर होता तो एक ही आदमी का अगर चारों बिजनेस रहता ऑल विल कम अंडर द वन उद्यम नंबर, नॉट मल्टीपल। नॉर्मल ओके, फिर वो उद्यम में फैसिलिटी नहीं है, फिर आपके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, जेम को मेल करना पड़ेगा, वहां से वो नंबर रिलीज करवाना पड़ेगा और फिर आपके लिए होगा। ये एमएसएमई के पोर्टल पे था अवेलेबल कि आप मल्टीपल एमएसएमई का नंबर निकाल सकते थे, अभी उद्यम में ये फैसिलिटी नहीं है फिर भी, तो फिर आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उनको मेल कीजिए और बैक एंड से वो नंबर निकालना पड़ेगा, और ये इजी काम नहीं है, ये कम से कम आपको 15 से 20 दिन जाएगा और रेगुलर फॉलो अप लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास HUF का पैन है तो फिर मैं उद्यम में कर सकती हूँ ना, HUF का और इंडिविजुअल का पैन है, दोनों दोनों अलग अलग पैन है तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे आपके। पैन नंबर चेंज हो जाएगा तो सर रजिस्ट्रेशन भी चेंज हो जाएगा, उद्यम का नंबर चेंज होता रहेगा। ओके चलो अच्छी बात है, साथ में काफी लोगों को काफी नॉलेज है और हम लोगों को शेयर करने को भी मिल रहा है। सर एक मिनट और एक बात, अगर सोचिए किसी का पहले का उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन हो चुका, उस पैन नंबर में भी अगर उद्यम निकालने जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगा, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, अदरवाइज उद्यम नहीं निकलेगा। उद्यम नहीं निकलेगा नहीं सर। ओके ओके सर, या थैंक यू सर, नवीन सर थैंक यू। ओके चलिए ठीक है, तो ये एमएसएमई के केस है। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक डीआईपीपी नंबर मिलता है। स्टार्टअप इंडिया में प्रोप्राइटरशिप कंपनी को एंट्री नहीं है। देखो कौन एंट्री कर सकता है, यहाँ पे सब डिटेल्स में लिखा हुआ है क्या क्या है इसके लिए नॉर्म्स यहाँ लिखे हुए। तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी को एंट्री नहीं है, टर्नओवर आपका जो फाइनेंशियल 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बाकी सभी चीजें सेम है, पर आपकी कंपनी में कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट होने चाहिए जैसे है, और तो आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कहां से करेंगे, तो रजिस्टर्ड विथ नाउ स्टार्टअप इंडिया, यहाँ पे ओके करो, स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट खुल जाएगा, यहाँ से साइन अप करो और स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर भी यदि किसी को स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो शायद हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो आपको स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करके देंगे, आप उनसे चार्जेस उनसे नॉर्म्स उनसे डिसाइड करवा लो। खासतौर पर जो लोग एमएसएमई निकाल के दे रहे हैं उसमें ही मैक्सिमम लोग होंगे जो लोग स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन आपको निकाल के दे सकते हैं, तो आप उनसे निकाल लीजिए। बाकी इसके बेनिफिट वगैरह वो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कशन जरूर करेंगे। देवेंद्र सर, देवेंद्र सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, बेसिकली ये कर रहे थे अगर मेरी फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो क्या उसको हम आगे फर्म में या सोसाइटी या ट्रस्ट में चेंज करवा सकते हैं? कर सकते हैं सर, और यहाँ पे अच्छी बात है एक सीए भी है हमारे साथ, वो आप उनसे कांटेक्ट करो, उनके उनके गाइडलाइंस में कीजिए, प्रॉपर होगा आपका काम। ओके ओके सर, कभी भी कर सकते। विकास सर
सर एक तो ये मेरा इनवॉइसिंग डिक्लेरेशन था। हेलो हाँ बोलिए। हाँ, तो सर इसमें टर्नओवर मैक्सिमम इन 3 years लिखा हुआ है। हाँ, तो 3 years is nothing but I guess 3 साल का टर्नओवर जो था उसको डिवाइड बाय 3 करके निकाला। नहीं 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 आवाज आ रही है सर हमारी? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। तो सर वहाँ पे मैक्सिमम डालना है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो भी आपका 3 साल में मैक्सिमम होगा वो डालना है। ओके सर, ओके। और सर एक और चीज टैक्स असेसमेंट में था, अभी आगे आएंगे ना सर, अभी हम अमित सर। अमित सर जी। हाँ जी, ये सर स्टार्टअप इंडिया में आई थिंक इसमें तो सिर्फ आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना जरूरी है ना, तभी स्टार्टअप में आएगा कि नहीं? स्टार्टअप इंडिया में सर थोड़ा वो डिटेल्स आप पूछ लीजिए, खासतौर पे सर से एक बार पूछिए। सर एक बार आप सर सीए सर प्लीज एक बार आपका एक बार डिटेल्स मुझे एक बार नाम फिर से बताइए, मुझे एक बार रिमेम्बर हो गया। सतीश अग्रवाल, अग्रवाल जी, सतीश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, यस सर। तो शायद सर अग्रवाल सर से एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए, शायद वो आपको थोड़ा बेटर गाइडलाइंस करेंगे इसके अकॉर्डिंगली, है ना? तो आप लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है नवीन सर को भी अच्छी नॉलेज है, तो आप नवीन सर से भी, नवीन सर अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर दीजिए जिनको लगेगा वो कॉन्टेक्ट। देखो हमारा यहाँ पे क्लास सिर्फ क्लास के जैसा नहीं है, हमको यहाँ पे आगे भी आप एक दूसरे के सपोर्ट के साथ काम करना है, ऐसे तरीके से हम लोग चलते हैं। मैं कभी भी कोई भी काम खुद से भी नहीं बोलता हूँ, मेरे पास भी कोई काम आता है तो हम हमेशा आप लोगों के सपोर्ट के लिए रहता हूँ। नवीन सर बोलिए। नवीन सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर सर एक्चुअल मैटर है क्या, स्टार्टअप इंडिया नॉट ओनली मैन्युफैक्चरर, इट मे बी इनोवेटिव, इफ एनी सर्विस इंडस्ट्री आर द इनोवेटिव देन दे आल्सो कैन अप्लाई फॉर द स्टार्टअप इंडिया। जैसे मेरा जान पहचान एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, दे आर गोइंग फॉर सप्लाई मैन पावर, दे ऑल्सो रजिस्टर्ड इन स्टार्टअप इंडिया, ओके रिकॉग्नाइज। ओके सो ऐसे कोई बात नहीं कि ओनली मैन्युफैक्चरिंग, एनी इनोवेटिव आइडिया, एनी कोई भी इनोवेटिव आइडिया इसमें जा सकता सर। जा सकता। ओके थैंक यू सर। यहाँ पे दो सर है, अग्रवाल सर है, नवीन सर है, जिनको भी एमएसएमई या उद्यम के बारे में ज्यादा डीपली जानना है तो आप दोनों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और रजिस्ट्रेशन भी मैं ऐसा बोलूंगा, मेरा रिकमेंड, आप चाहो तो दूसरे कम फीस में भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, जिनके पास नॉलेज होता है फीस थोड़े ज्यादा हो, नो पर प्रॉपर मिलेगा आपको। क्या करना है आगे की चीजें के लिए आपको, जिनको करवाना है वो कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो कि नहीं ये भी आपको पता चले। टैक्स असेसमेंट, टैक्स असेसमेंट में हम लोग आईटीआर बनेंगे, जैसे कि मेरे लिए आप यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन 2013 का है इसलिए टैक्स असेसमेंट मैंडेटरी होगा, यदि मेरा अभी करंट ईयर का होता तो मेरे लिए मैंडेटरी नहीं होता। टैक्स असेसमेंट आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। टैक्स असेसमेंट कैसे वेरीफाई करेंगे, तो टैक्स असेसमेंट के लिए आपको आईटीआर फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? आईटीआर फॉर्म। वो कहां से मिलेगा? तो इनकम टैक्स के वेबसाइट, इनकम टैक्स के वेबसाइट से। आईटीआर नहीं, जो सीए आपको प्रोवाइड करता है वो नहीं, सीए को आपको बोलना है आईटीआर फॉर्म, या आप खुद भी अपने पैन कार्ड से लॉग इन करके वहां पे डाउनलोड कर सकते हो आईटीआर फॉर्म। आईटीआर फॉर्म कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मैं इतना ढूंढता नहीं हूँ, मैं आपको आईटीआर का फॉर्म कल के क्लास में दिखाता हूँ, मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, या किसके पास यदि इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड है तो लेके रखो और उनका भी हम करके दे देंगे साथ में।
फेस टू फेस लाइव टू लाइव। तो यहाँ से आपको आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करना और क्या इनपुट डालना है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आईटीआर फॉर्म से क्या क्या इनपुट कहाँ पे डालना है। तो डन, समझो कि टैक्स असेसमेंट का चैप्टर हम लोग कल करेंगे। डीओ ऑर्डर कंप्लायंस, ये एक डीओ ऑर्डर कंप्लायंस है, बाहर की कंपनी जनरली ये मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम बनाया गया है, जबकि मेक इन इंडिया में ज्यादा से ज्यादा काम हो तो आपकी कंपनी मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही है तो आप इसको यस करेंगे। यदि बाहर की कंपनी है और बॉर्डर सेलिंग करती है तो फिर आपको यहाँ पे एक रजिस्टर्ड है, ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है बाहर की कंपनीज के लिए, यदि वो जेम पे आना चाहता है तो ऑफिस मेमोरेंडम का ये फॉर्म आप उनको भर के अप्लाई करके देना है बाहर की कंपनी के लिए, और उनको ये यहाँ पे अपलोड करना है, ये अपलोड करना। यदि आप इंडिया का ही कंपनी है और यही काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जाओ गेट ओटीपी करो, ओटीपी से वेरीफाई करो, सेव करो, डी ऑर्डर कंप्लायंस ओके हो जाएगा। शुभम सर, मैंने आपको ये चीज तो बहुत बार बताया कि मैंडेटरी कब है और मैंडेटरी कब नहीं है। यदि आपकी कंपनी नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, यदि कंपनी 2020 से पहले की है तो मैंडेटरी, मतलब फिर भी मैंडेटरी नहीं है, नहीं करोगे तो बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अच्छा, आईटीआर फाइल अगर नहीं करूंगा तो मैं बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, बिड में नहीं कर पाऊंगे। हाँ राकेश सर, डीओई दोबारा बोलना सर। डीओई ऑर्डर कंप्लायंस है जनरली ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए क्या है, आपकी कंपनी इंडिया की है और यही काम करती है तो आपको फर्स्ट वाले पे चूज करना है, मतलब इंडिया की कंपनी है बाहर चलेगा। यदि बाहर की कंपनी है और वो जेम पे काम करना चाहती है तो सेकंड वाला ऑप्शन है, बाहर की इंडिया के बाहर की कंपनी है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म आता है डाउनलोड करके, वो फॉर्म वहां पे अपलोड करना है, यहाँ से अपलोड करके यहाँ पे भर के इसको सेव। इंडिया की कंपनी है तो फर्स्ट वाले को टिक करो, कोई फॉर्म अपलोड नहीं करना है, कुछ नहीं, गेट ओटीपी डाल के इसको सेव। देवेंद्र सर, सर बेसिकली ये हम पूछ रहे थे ये जो ओटीपी आएगा किस नंबर, आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होगा उस जो नंबर आपने हाँ रजिस्ट्रेशन के नंबर पे जो दिया था उसी नंबर पे ओटीपी आया, वो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको अपडेट मोबाइल नंबर है या मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है। अच्छा ओके ओके तो हम लोगों ने कंपनी प्रोफाइल एकदम क्लियर किया, यहाँ पे सिर्फ बच गया टैक्स असेसमेंट जो हम लोग कल की क्लास में कवर करें, बाकी हमारा पार्ट कवर हो गया।